सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे मुहूर्त में हैं और आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको मैं अरविंद अग्रकल्लू सादर प्रणाम करता हूं। और आज हमारी दो फिल्मों की मुहूर्त है, जिस फिल्म का नाम है बैंड बाजा बारात और घूंघट की आड़ में, जिसके डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी और प्रोड्यूसर इम्तियाज खान जी। चंदन भाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग के बीच एक साथ दो प्रोजेक्ट का आज मेरा मुहूर्त हुआ। और हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि हम लोग बहुत मेहनत करके एक अच्छी प्रोजेक्ट आप लोग के बीच लाएं। किस तरह का आपका भूमिका होगा ये दोनों फिल्म के बारे में? बैंड बाजा बारात आप लोग नाम से ही जान रहे हैं कि बैंड बाजा बारात फुल रोमांटिक एक्शन मूवी होगी, क्योंकि कल्लू को अगर लोग लिए हैं, चंदन भैया जैसे लिए हैं, तो रोमांस करने का उम्र है, तो रोमांस ही करेंगे। और जब रोमांस होता है तो जरूर है कि हमारे सर अधेश सर आएंगे और हमारे रोमांस में ये चांस लगाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके रोमांस में साथ भी दे, बाप बन जाते हो? हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, ये फिल्म है, कुछ भी हो सकता है। आप हमारा साथ देंगे, इससे बड़ी खुश नसीबी हमारे लिए क्या होगी, सौभाग्य की बात क्या होगी कि हमारे डॉन साथ में। तो आज आपका गायक का रूप देखा, क्या कहना चाहेंगे? गायक तो वो तो वैसे ही टाइम पास गायक हूँ मैं। वो एक समय था जब कभी गा लेता था मैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो गाता नहीं। आज मंच पे बोल दिया तो हमने गा लिया, तो वो एक पुराना शौक था जो यही है। बाकी तो हम कलाकार हैं, एक एक्टर हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑलराउंडर हैं। चलो भाई, ये पूछना चाह रहा हूं कि शादी के लिए बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं, जरूरी है ना, इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए। तो क्योंकि अभी उम्र ही कितनी हुई है? अरे 21 साल हो गया, अब क्या चाहिए? बिहार 21 साल हुआ अभी तो, मत बोलो ऐसा, 21 साल नहीं हुआ अभी इनका, 17 खत्म हुआ है। नहीं, मेरा क्या, हम झूठ नहीं बोलते हैं ना, वो मुंह से निकल गया, सॉरी। 17 मत बोलो ना ऐसा कि लोगों को बुरा लगे। शादी करना किससे, हीरोइन से करना है या फिर आम लड़की से करना? लड़की ढूंढी जा रही है? नहीं नहीं, हमारे गुरु जी हैं ये, इनको मैं लव गुरु बोलता हूँ इंडस्ट्री में। इनसे सेट पे मैं एक्टिंग भी सीखता हूँ और साथ में जब कैमरा पे जब काम धाम चलते तो मैं इनसे कुछ शिक्षा लेता हूँ। तो ये बोलते हैं प्यार करना जरूरी है, प्यार के बिना तो जगत अधूरा है। देखिए तो कि क्या परिभाषा, क्या प्यार है, क्या समझते हैं प्यार में, होता क्या मतलब? अब कुछ मतलब वो प्यार में होता क्या ये नहीं बता पाएंगे। आप बताइए ना, आप अब आधा आधा पढ़े हैं, आधा ये बैंड हमारा बल्लम में आधा पढ़ा चुके हैं, सरकारी लोग खटिया में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, इसके बाद बैंड बाजा बारात में पूरा पढ़ा देंगे तो घूंघट की आड़ में घूंघट चुरा लेंगे। अभी बहुत फिल्में आपको पढ़ाने के लिए। क्या है, थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा ना, इन अगे एक बार पढ़ लेनी बिहार तो ऑपरेशन फेल हो जाए, तो थोड़ी थोड़ी करके पढ़। बच्चा है ये, अभी खेलने खाने की उम्र, जितना खेल खा रहे हैं खाने दीजिए। वैसे आप प्यार करने में नहीं छीनने में ज्यादा विश्वास रखते हो, आप लोग बता दो कि ये सुधर गए। प्यार नहीं, प्यार करना जरूरी है, चाहे छीन के करे चाहे प्यार से करे, मतलब वो भी जायज है, वो जायज है। अरे बाप रे, प्यार और जंग में सब चीज जायज है। क्या कुछ कह रहे थे सॉरी? नहीं, अब ये बताना चाहेंगे कि ये कैमरे पे ही जो है सो है, लेकिन कैमरे ऑफ कैमरे ये बहुत अच्छे एकदम, समझिए तो मतलब बाबा है, बाबा हो गया, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान हम लोग को देते हैं। संत हूं, फकीर हूं मैं। तो अभी बहुत इनके बारे में मैंने सुना था कि ये भी लव चप ज़्यादा करते हैं, लेकिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने इनके साथ लगातार, पहले तो फिल्म नहीं करते थे, लेकिन अब जब से कर रहे हैं लगातार इन्हीं के साथ कर रहे हैं, तो पहली बात कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे भी सीखते रहेंगे। और मेरा यही मानना है कि इंसान को हमेशा सीखना है। नहीं, हम सब सीखने के लिए इस दुनिया में आए हैं, चाहे कुछ भी सीखे, अच्छा सीखे, प्यार से सीखे, जज्बात से सीखे। हम अपने चंदन से भी बहुत सीखे जब ये असिस्टेंट हुआ करते थे, और ये मेरी जिद थी और मेरा रिक्वेस्ट था चंदन जी से कि जब पहली फिल्म बनाना तो मुझे देना, और इन्होंने आवारा बलम में मुझे लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंदन। और करके दिल से बड़ा मजा आया। इम्तियाज जी के साथ मैंने इससे पहले दीवाने किया था, और ये एक बहुत ही सुलझे हुए प्रोड्यूसर हैं, ये खुद जानते हैं कि किसको कितना प्यार दो तो उतना प्यार रिटर्न मिलेगा, और ये बिल्कुल नाप तोल करके प्यार देते हैं और नाप तोल के प्यार और सम्मान पाते हैं। तो बड़े सब एक सुलझे हुए यूनिट के बीच में। और कल्लू जी के बारे में इतना बताऊं कि आज हमारी इंडस्ट्री की ये ऐसी उम्मीद है, तो सब चाहते हैं कि मैं इस उम्मीद में अपने आप को ढाल लूं, तो कल्लू अभी वो है और गॉड ब्लेस हिम, ये ऐसे ही दिन दुनी रात चौगुनी सबका प्यार पाते रहे। अच्छा, इतना सारा प्यार मिलता है उसके बाद भी बंदा अकेला है? अरविंद अकेला। देखिए टाइटल है वो, एक देखिए कब कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, पर्दा, ये अरविंद अकेला इनका पर्दा है, पर्दे के पीछे सब चीज जायज है, पर्दे
के पीछे रह के पर्दे के पीछे वाला प्यार है इनका। हाँ हाँ अरविंद, ऐसा लगता है कि बैंड बाजा बारात मतलब अब कभी जिंदगी में किसी की बैंड बजाई या किसी ने आपकी बजाई? क्या है, मैं दूसरे के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, और जो मेरे साथ हुआ है चाहे ना हुआ हो, आगे भगवान करे ऐसा कुछ बैंड बाजा मैं किसी को बजाऊं ही ना। मैं डायरेक्ट शादी करूंगा और ये हमारे इन्हीं के मार्फत में करूंगा, क्योंकि ये जो ढूंढेंगे अच्छी ढूंढेंगे। अच्छा, बैंड नहीं बजाई, बजवाई भी नहीं, लेकिन कम से कम नागिन डांस तो किया होगा किसी? हाँ, नागिन डांस बहुत किए हैं, वही तो नागिन डांस किए कि आज जितना भी मुहूर्त में जा रहे हैं लोग बोल रहे हैं डांस करके एक हो जाए, तो ये भी प्यार है, ये प्यार है। और इधर से भी कुछ पूछना चाह रहे क्या? हाँ जी, के लिए ये थैंक यू, आप हमारी मजबूरी को समझिए। तलाश जारी है, बहुत जो भी मिलेगी बड़ी अच्छी दुल्हनियाँ मिलेगी। ये अब अकेला नहीं रह जाएंगे अरविंद, अकेला नहीं रहेंगे, अरविंद दुकेला हो जाएंगे, अरविंद दुकेला हो जाएंगे। तो ये अपने कोशिश हम सब मिलके कर रहे हैं, इनके लिए अच्छी दुल्हनियाँ ढूंढी जाए। हाँ, वो शेयर किया लेकिन अब सबके सामने शेयर नहीं कर सकता, शेयर तो बहुत प्राइवेट होता है। मैं भी इनको बोलता हूँ कि इस तरह की लड़की ठीक है, मतलब दुल्हनियाँ वैसी होनी चाहिए, ढूंढ रहे हैं अभी हम लोग सब मिल करके, क्योंकि बड़े होनहार हैं अभी, उम्मीद है हमारी इंडस्ट्री के, तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इनका ये कह रहा है कि ये गांव की लड़की से ही शादी करें, शहर की लड़कियाँ इन्हें पसंद नहीं है। शहर की कोई होती नहीं है सर। अच्छा, दुनिया में शहर बना ही तब था जब पहले गाँव आया, तो सब कहीं ना कहीं से गाँव की होती है, पहले गाँव की। शहरी एक लिबास होता है, जैसे हम ये पहन के आ गए, ये शहरी लिबास है, धोती पहन के आते तो गांवटी निवास होता, मैं तो हूँ गांवटी आदमी, तो गांव की ही लड़कियां होती है, शहरी एक आवरण होता है, तो आवरण अब ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी पे चर्चा हो रहा है, तो जो मैंने एल्बम गाया था कलू खाती लड़की खो जाता, अब लड़की मिल जाएगी। बड़ा कमाल के एल्बम, दो शब्द गा दीजिए कलू जी। और ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप मेरी ढूंढ रहे हैं, ये भी भाई जी अभी कमा रहे हैं, तो इनके लिए भी तलाश चल रही है, इधर भी ढूंढना पड़ेगा क्या? मेरे बच्चों के लिए ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि सर ने बताया कि मैंने एक गीत गाया है, देखिए मैं ऐसा सिंगर हूँ कि मैं दूसरे के ऊपर गाना नहीं गाता, और जितने लोग दूसरे के ऊपर गाते हैं, चाहे वो जातिवाद को लेके गाते हों या किसी का नाम पकड़ गाते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी का नाम पकड़ के पर्सनली जिंदगी में ना गाएं। तो मैंने अपने ऊपर ये गीत गाया है, हर नवे बरिसवा में हो गईले गायक, चढ़ल अठारह तो बन गईले नायक, हाँ भैया के अब गे बुझाता कि कलू खाती लड़की खो जाता, कि जगे जगे फोटो भेजाता। तो बस लड़की ढूंढी जा रही है और बैंड बजा बारात लेके हम लोग रेडी हैं। पोस्टर में आप पीपीड़ी बजाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये आप अपने ही शादी का बजा रहे हैं या किसी और की? किसी और का मैं तो बजाऊंगा ही, लेकिन इतनी खुशी है, इतने सालों से मैं, मेरा ड्रीम है कि मेरी भी शादी हो जाए, तो मैं खुद बजाऊंगा, खुद नाचूंगा भी अपनी शादी। लड़की आपको ढूंढने वाले हैं या सर हैं सब? सर, लड़की इनके लिए सब ढूंढ रहे हैं, मिली तलाश बहुत लोग कर रहे हैं। सलमान खान, चंदन जी, वैसे आप खुद शादी नहीं करते हो, कभी बैंड बाजा बारात करवाते हो, कभी घूंघट की आड़ में, कभी कल्लू के लिए लड़की ढूंढते हो, क्या कसम खा ली है हिंदुस्तान से कुंवारों को खत्म कर देंगे? ये सब इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए कोई लड़की तलाश लें, लोगों के लिए। बीच में कल्लू के कंधे पे कंधा रख के, हाँ डेफिनेटली बहाने कुछ और क्या कर सकते, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब डायरेक्ट तो किसी लड़की को जाके बोल नहीं सकते कि यार तू मेरे से शादी कर ले, अब उसने ना कर दिया तो दिल ही टूट जाएगा, इससे अच्छा है कि बोलो ही मत। मतलब ये कल्लू और डायरेक्टर दोनों इनडायरेक्टली लड़कियां ढूंढ रहे हैं, ऐसा ही ऐसा ही सोच रही है, ढूंढ रहे हैं सवाल पूछने गलत है कि कुमार, हम सब कुमार हैं। अरे हम सब कुमार हैं, किधर लिखा हुआ है? कोई निशानी नहीं है, अभी तो जवानी की शुरुआत भी नहीं हुई है, मंगलसूत्र भी नहीं है कि पता चलेगा सर। आपकी पत्नी को शेयर करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जानती है कि मैं कमा रहा हूँ अभी तक। अच्छा, इन्होंने तो शादी ही नहीं की है। शादी नहीं की है, क्या किया है हमने? प्यार होता है ना, वो प्यार में जो भरोसा होता है, उस प्यार को इन्होंने निभाया है। मेरे सामने चार, मुझे लगता है कैसे पे आई लव यू कह चुकी है, चार भोजपुरी की सुपरस्टार हीरोइंस इन्हें आई लव यू कह चुकी है कैमरे में, लेकिन मैंने भी 40 को कह दिया। चलिए चंदन, बताइए जरा, दो फिल्में हैं, एक बैंड बाजा बारात और एक घूंघट की आड़ में, जरा बताइए कैसे शुरू होंगी, क्या होगा? सबसे पहले तो इम्तियाज भाई को, इम्तियाज सर को थैंक यू बोलूँगा, आई के मूवीज़ को थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। इन्होंने फिल्म बनाई है, पहले दो फिल्में, एक पंचायत बनाई थी और दूसरी फिल्म दीवाने बनाई थी, तो उसके बाद
मेरे ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया बैंड बाजा बारात और घूंघट की आग के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस लायक चुना कि ये फिल्म मैं बना पाऊँ, और कोशिश करूँगा कि आपने जो मुझ पर विश्वास किया है, जो मुझ पर ट्रस्ट किया, उसके ऊपर खड़ा उतरूँ। और अभी रिसेंटली मैंने फिल्म बनाई है, हम लोग एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं, करीब 7-8 सालों से जानते हैं, जब मुंबई आया तो पहले मुलाकात भी हुई थी उनसे, और रेगुलरली हम लोग एक दूसरे के साथ बट संजोग नहीं था। एक दिन अचानक बातचीत होने लगी और मैंने बोला कि सर एक फिल्म बनाई है हमने आवारा बलम, बैठे हम लोग देखे तो बोले चंदन एक मुझे भी फिल्म करना तो नहीं चाह रहा था लेकिन वापस आता हूँ कि फिल्म करूँ और तुम करो। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर मेरे ऊपर कि आपने मुझे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया फिल्म के लिए, थैंक यू। जी वैसे दो फिल्में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, एक बैंड बाजा बारात जिसे ये डायरेक्ट करेंगे चंदन जी, जो कि घूंघट की आड़ में उसे आपको डायरेक्ट करेंगे, मतलब घूंघट की आड़ में आप ज्यादा बेटर हो। मैं बताता हूँ एक्चुअली वाक्य क्या हुआ था, वो इन्होंने सब्जेक्ट, इनका ड्रीम था, उन्होंने बोला कि सर मैंने एक सब्जेक्ट लिखा है और उन्होंने मुझे सुनाया कि ऐसा ऐसा, तो मैंने बोला बहुत अच्छा है सर और वाकई में वो सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। फिर बोले कि मेरा ड्रीम है, तो मैंने बोला अगर आपका ड्रीम है तो एक काम करिए, हम लोग तो हैं ही आपके टीम में जुड़े हुए, आपके आप हम लोग सहयोग करेंगे, आप फिल्म खुद बनाइए एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। पहले भी लोग बहुत सारे लोग आए हैं वो एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, और बुरा नहीं, एक प्रोड्यूसर अपने तहत जितना सोचता है। यस, और उन्होंने प्रॉपर उस चीज को, मुझे लगता है कि 3-4 सालों से इस फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे वो घूंघट की आड़ में, सब्जेक्ट बहुत तरीके से उन्होंने ना पिरोया है, और जो एकदम गाँव का सब्जेक्ट होता है प्रॉपर वो सब्जेक्ट है घूंघट की आड़ में। घूंघट में क्या क्या ड्रामा होता है, क्या क्या बदल जाता है, वो सारी चीजें हैं उसमें। बहुत वैसी फिल्म आई थी घूंघट में घोटाला, अभी आई नहीं, वो तो रिलीज नहीं हुई है फिल्म, वैसी मतलब वैसे ही सब्जेक्ट है उसका भी। अब आई डोंट नो सब्जेक्ट तो मुझे नहीं पता, सब्जेक्ट तो नहीं, दोनों टाइटल भी अलग है, वो घूंघट, घूंघट में घोटाला है और ये घूंघट की आड़ में। हां वो घूंघट में क्या क्या होता है, घूंघट में घोटाला पहले क्लियर होगा कि घोटाला ही होता है, घोटाला होता है, हमें क्लियर नहीं है कि घूंघट की आड़ में क्या क्या होता है। ये सस्पेंस, इतने एक्सपीरियंस वाले आदमी बैठे हैं तो अच्छा इंतजार जी, अब बैंड बाजा बारात में भी कल्लू होंगे और घूंघट की आड़ में भी कल्लू होंगे, बिल्कुल खास वजह यह है कि अगर बारात लेके जा रहे हैं तो घूंघट लेके आना है दुल्हन को, तो दूसरा कैसे आएगा, ये जो दूल्हा जा रहा है वही दुल्हन को भी लेके। ये एक्चुअली हम लोगों ने अभी सीरीज बनाया है, ये बन गया है एक्चुअली सीरीज, हमने आवारा बलम शुरू की, एक लड़का आवारा होता है और वो धीरे धीरे दीवाना हो जाता है, अभी बैंड बाजे की वो अभी बैंड बाजे की वो क्या नाम है ब्याला दिया गया है, बैंड बाजे आएंगे, उसके बाद कल्लू की दुल्हनिया भी मैंने अनाउंस किया था तो वो भी अभी शुरू होगी, मारपीट करके दुल्हन हम लाएंगे, कल्लू की दुल्हनिया आएंगे, तो उसके बाद अब दुल्हन है कैंसी आएंगे, वो क्या घोटाला होगा उसमें, क्या हेर फेर होता है घूंघट में। पॉजिटिव रोल एक बार फिर से या फिर नेगेटिव? मैं मेरा अपना दिल कहे तो मैं पॉजिटिव रोल ही करूंगा, बाकी हमारे डायरेक्टर्स पे हैं कि हमें कैसा रोल देते हैं, वैसे आजकल ज्यादातर मैं पॉजिटिव रोल ही कर रहा हूँ, मेहंदी लगा के रखने के बाद मेरे अंदर एक फतूर सा आ गया है कि अगर अपने आप को एज एन एक्टर मुझे हमेशा जिंदा रखना है, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं काम करूं और मेरे मरने के बाद मेरे काम की चर्चाएं हो, तो उसके लिए पॉजिटिव रोल बहुत आवश्यक है। एक एक्टर के जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरी किस्मत है जो मुझे ऊपर वाले ने दिया है, तो मैं उसको हमेशा निभाना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि विलेन छोड़ दिया, क्योंकि हमारे जनता को जब बोलता हूँ पब्लिक को कि भाई मैं सोचता हूँ विलेन नहीं करूँ, तो एक सुर से आवाज़ आती है कि नहीं 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 विलेन कीजिए, तो विलेन भी करूँगा लेकिन पॉजिटिव रोल्स, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स, वो उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है।